सो दोस्तों, टैक्सेशन पेपर नंबर 4 जो कि सी ए आईपीसीसी का, तो चाहे आप ओल्ड सिलेबस में हैं या न्यू सिलेबस में हैं, आप दोनों लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा। इसमें मैं कुछ इसमें अमेंडमेंट्स भी कवर करने वाला हूँ, प्लस कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूड करी गई हैं आईसीआई की ओर से। मतलब आपको नवंबर 18 के एग्जामिनेशन के लिए उन सारी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अनाउंसमेंट आईसीआई की, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ अनाउंसमेंट। सो ये आईसीआई की एक अनाउंसमेंट आई थी जो कि आई थी 6 अगस्त 2018। सो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के सेक्शन में जाकर के आप खुद भी देख सकते हैं, अदरवाइज इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें टैक्सेशन का जो आपका पेपर है, चाहे ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, दोनों लोगों के लिए वही चीज़ें हैं। मतलब सेम चीज़ें दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं। सिलेबस भी सेम ही है, मतलब जिस बुक से न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट के लिए भी वही बुक एप्लीकेबल है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होने की कोई कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेशन का पेपर हम देखते हैं, इसमें जो फाइनेंस एक्ट 2017 है वो एप्लीकेबल है, और जो भी हल्की फुल्की नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स हैं 30 अप्रैल 2018 तक, वो एप्लीकेबल है। सो कहने का मतलब कि अगर आपने मई 18 का एग्जामिनेशन दे रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी मोड़ी कुछ अनाउंसमेंट हैं, थोड़ी मोड़ी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वही आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी में हल्की फुल्की कुछ चीज़ें अमेंड जो हुई थी 30 अप्रैल 2018 तक की, तो वो भी अमेंडमेंट्स हैं जो कि कवर्ड करना ज़रूरी है। जो अमेंडमेंट जो भी हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। आप जाइए, पीडीएफ फाइल है वहाँ पे, आप उसको जाकर के डाउनलोड करिए और वो अमेंडमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। सो नवंबर 18 के एग्जामिनेशन के लिए सारे के सारे अमेंडमेंट्स, उसमें चाहे आपके डायरेक्ट टैक्स के हो या इनडायरेक्ट टैक्स के हो, दोनों अमेंडमेंट्स कवर्ड हैं। और साथ साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, वो आप तक साथ साथ पहुँचती रहें। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूड कर दी गई हैं सी ए आई पी सी सी टैक्सेशन के पेपर से। तो इस अमेंडमेंट में, इस नोटिफिकेशन में आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि स्टडी गाइडलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट पेपर 4 टैक्सेशन सेक्शन 1 इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स, तो ये एक्सक्लूड कर दी गई हैं, मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेक्शन 9A, यहाँ पे आपको चैप्टर्स लिखे हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में आपको सेक्शन 9A मीन्स सर्टन एक्टिविटीज़ नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये आपको स्किप कर देना है। सेम चैप्टर नंबर 3 इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे सेक्शन 10 का क्लॉज है, सेक्शन 10 का जो क्लॉज है, क्लॉज 6A, देन 6B, देन 6BB, ये सारी चीज़ें आपको जो है स्किप कर देनी है। मीन्स आप अपना जो बुक है, बुक को आप निकालिएगा और उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी इसमें क्लॉज गिवन है, सारे के सारे क्लॉज आप स्किप कर सकते हैं। मतलब नवंबर 18 के एग्जामिनेशन में आपको इन सब क्लॉज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद और भी कुछ चैप्टर्स गिवन हैं जिसको आपको, जिनमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन नहीं है। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, तो यहाँ पे सेक्शन 65 है, ये यहाँ पे एक्सक्लूड हो चुका है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में सेक्शन 67A, 72, 72AA, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो पेपर नंबर 2 है, जो कि है जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 2 आप देखेंगे, सो यहाँ पे चार्ज ऑफ जीएसटी लिखा हुआ है, और यहाँ पे रेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं। प्लस रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, और उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, सो इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सक्लूड कर दी गई हैं। देन एग्जेम्पशंस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें एक बार आप ज़रूर अपनी जो बुक है आईसीआई का जो मटेरियल है वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा, और मैच करने के बाद आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं जो कि एक्सक्लूड कर दी गई हैं।
और ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये भी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई हैं। सो पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, तो इसमें आपको CGST एक्ट में TDS एंड TCS ये चीज़ें हटा दी गई हैं। देन कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्स ऑन विच इज़ पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, तो ये भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी गई है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने बुक में ज़रूर इसको मार्क कर लीजिएगा। सो बस वीडियो यहीं तक की है, और हाँ एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सारी की सारी अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।